Hey guys, welcome back to my new vlog. So, आज का जो vlog है थोड़ा special होने वाला है. Special इसलिए होने वाला है, आपको बता देता हूँ. आज है मेरे बालों का transplant. तो guys, काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि मेरे जो बाल हैं, after जब मैं बाल डूबा था तो बाल उसके बाद कम आ रहे थे, और उससे पहले भी मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा था. तो फिर मैंने एक डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने मेरे को प्रपोज़ किया ट्रांसप्लांट के लिए. सो अभी बज रहे रात के 10 और मैं जा रहा हूँ बालों का ट्रांसप्लांट कराने के लिए. इस प्रोसीजर में टोटल 8 आवर्स लगते हैं, तो 8 घंटे की मेरी सर्जरी चलेगी, जो शायद 10, 10:30 या 11 बजे से स्टार्ट हो, और देखिए रात को कितने बजे तक जाती है. तो ये देखिए, ये पूरा जो पोर्शन है गायब हो गया है और यहाँ पे बाल कम है. तो उन्होंने मुझे जो प्रपोज़ किया है वो 3500 ग्राफ्ट प्रपोज़ किए हैं. तो देखता हूँ मैं कैसे वो लोग करते हैं और क्या प्रोसीजर है, वो पूरा आपको दिखाते हैं. तो ये व्लॉग पे मेरे साथ एंड तक बने रहिए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस. सो आपको लेके चलता हूँ, हम लोग को जाना है इंदिरापुरम क्रॉसिंग रिपब्लिक. सो अभी 10 बज रहे हैं, मैं निकल रहा हूँ घर से, तो चलिए आपको दिखाता हूँ कहाँ जाते हैं कौन. सो गाइस, यहाँ से जो मेरे घर से उनका डिस्टेंस दिखा रहा है, दैट इज़ 19 मिनट्स का और 9 किलोमीटर्स का, और आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो चुका है. अभी बज रहे हैं 10:04, और मैं जा रहा हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए. तो बोल सकते हैं एक तरह का सर्जरी है, जहाँ पे वो मेरे पीछे के बालों से ग्राफ्ट लेंगे और उसको मेरे जो आगे जो एरिया है उस पर लेंगे, मतलब उस पर फिक्स करेंगे. सो डोनर एरिया से बाल लेके वो फिक्स करते हैं जहाँ पे रिक्वायर है. ये देखिए गाइस, पूरा अंधेरा हो रखा है, आपको मेरी गाड़ी नज़र आ रही होगी. सो अभी हम लोग पहुंच जाएंगे और वहां जाके फिर आपको आगे का प्रोसीजर कैसा है जैसे वो बताएंगे वो आपको दिखाते हैं, समझाते हैं. मतलब थोड़ा ऊपर करके एकदम नीचे नहीं. इनको देर तक मेरे सामने से बना देंगे. तो गाइज, आपने देखा कि जैसे कि अभी प्रोसेस चल रहा है और अभी 30% प्रोसेस हुआ है, तो वो एरिया मार्क हुआ है जहाँ पे ये लोग ट्रांसप्लांट करेंगे. और अभी रात के बज रहे हैं 12:15, तो अभी और 10-15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद ये बाकी का प्रोसेस होगा. तो आपको उसके बाद जितना वीडियो हो सकता है मैं आपको दिखाऊँगा. बट पेन होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है सर पर, और उसके बाद ही ये सब प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि बिना एनेस्थीसिया के तो आप ये बिल्कुल भी नहीं करा सकते हैं. तो एनेस्थीसिया दिया गया, उस टाइम पे थोड़ा पेन हुआ, बट उसके बाद पेन नहीं हुआ और इजीली हो रहा है. अभी देखते हैं आगे का प्रोसेस गाइस. तो देखिए, आपको इतने सब कुछ दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए. जो लोग ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो एटलीस्ट लोगों को पता चले कि ट्रांसप्लांट एक्चुअली होता कैसे है. सुबह अभी बज रहे रात के 2:10, और हम लोग का ग्राफ्ट रिमूवल चल रहा है, और 2,500 ग्राफ्ट निकलने हैं, और अभी तक आई थिंक कुछ 1,000-1,200 निकल चुके हैं और 1,000 निकलने हैं. तो भाई सब प्रोसेस चल रहा है, और इसी प्रोसेस के बीच मैंने कहा थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूँ, देखते हैं और कितना टाइम लगता है, और फिर जैसे भी आपको बताता रहूँगा गाइज. इस प्रोसेस को जो बोलते हैं वो बोलते हैं एक्सट्रैक्शन. तो ये आप देख रहे हैं, ये एक मशीन होती है जिससे वो आपके बालों को पंप करते हैं और फिर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. तो ये पूरे प्रोसेस का नाम जो दिया जाता है एक्सट्रैक्शन होता है. तो पहले स्लिटिंग होता है, उसके बाद आपके पीछे जो डोनर एरिया है वहाँ से बालों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है, ये देखिए जैसे बालों को निकाला जा रहा है, और लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है ग्राफ्टिंग का. तो आइए पूरा स्टेप आपको दिखाते हैं.
ये क्या काला सा यहाँ पे, ये भी यहाँ पे पंच किया है क्या? नहीं, इंक। अच्छा, इंक। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, हमारा ट्रीटमेंट हो चुका है पूरा और अब मैं जा रहा हूँ घर के लिए। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं 6:20, तो ऑलमोस्ट 7-8 आवर्स का प्रोसीजर है और काफ़ी टाइम लगा। पहले स्लिटिंग करते हैं, उसके बाद एक्सट्रैक्शन करते हैं, देन ट्रांसप्लांट करते हैं। सो देर आर 3 प्रोसीजर, स्लिटिंग, एक्सट्रैक्शन और ट्रांसप्लांट। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि पूरी रात सोया नहीं हूँ। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, लेकिन ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा बॉस। सो इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट वीडियो है, ऑब्वियसली आप लोग को पसंद आएगा। तो मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।